हरियाणा में भाजपा कल से अपना चुनाव कैंपेन शुरू करने जा रही है। करनाल लोकसभा क्षेत्र के घरोंडा में कल एक बड़ी चुनावी रैली का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसमें जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो मुख्य रूप से शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसे में यहाँ से जो चुनाव कैंपेन की शुरुआत की जा रही है उसके लिए बड़ी तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं। किस तरह का कार्यक्रम होगा, पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि हजारों की संख्या में यहां पर कुर्सियां लगाई गई, एक बड़ा पंडाल जो है घरोंडा की नई अनाज मंडी में लगाया जा रहा है, क्योंकि कल इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में तमाम तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं, इसको लेकर पार्टी के पदाधिकारी यहां का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है बारीकी से, क्योंकि जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से जो पार्टी के संगठन मंत्री हैं फणिंदर नाथ शर्मा वो यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा हैं, पार्टी की सचिव अर्चना गुप्ता यहां पर पहुंची हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर लिया गया है, क्योंकि कल जो है हेलीकॉप्टर के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे और यहां से बीजेपी अपने चुनाव कैंपेनिंग की शुरुआत करेगी। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां से लोकसभा प्रत्याशी हैं, ऐसे में लगातार पार्टी की तरफ से पदाधिकारियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार करनाल लोकसभा से सबसे बड़ी जीत जो बीजेपी हासिल करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है, क्योंकि बीते चुनाव की बात की जाए तो देश भर में दूसरी सबसे बड़ी जीत बीजेपी को यहाँ से मिली थी, लेकिन इस बार का जो लक्ष्य रखा गया है वो यही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो यहाँ से रिकॉर्ड और देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करें, इस की कवायद जो है शुरू कर दी है बीजेपी की तरफ से। कार्यक्रम किस तरह से होगा, एक बड़ा मंच जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाया जा रहा है, जहाँ पर कल जेपी नड्डा जो है अपना संबोधन देंगे और यहीं से बीजेपी के जो चुनाव अभियान की शुरुआत है वो कर दी जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो संगठन मंत्री हैं फणिंदर नाथ शर्मा हैं, सचिव हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, मोहनलाल बिडोली हैं, जो इस कार्यक्रम को लेकर खास रूप से तैयारियां कर रहे हैं, वो मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या कुछ व्यवस्था रखी जाएगी। ये तमाम तैयारियां जो हैं घरोंडा की अनाज मंडी में चल रही हैं और कहीं ना कहीं एक जो बेहतर आगाज बीजेपी करने का प्रयास कर रही है कि इस बार जो लोकसभा कैंपेनिंग हरियाणा में शुरू होगा उसकी जो खनक है वो पूरी सभी की सभी 10 लोकसभा सीटों में जाए, क्योंकि इस बार लक्ष्य भी यही रखा गया है कि बीजेपी पूर्व के चुनावों की तरह इस बार भी प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना चाहती है। हालांकि बीते दिनों में जब जिस तरह से जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा था उसको लेकर कई तरह के कयास जरूर लगाए गए थे, लेकिन अब बीजेपी दोबारा से एक बार फिर इस तरह की एक्सरसाइज में जुटी है कि सभी की सभी 10 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आए और यहां से जो कैंपेनिंग शुरू होगी लोकसभा की उससे एक पूरा मैसेज पूरे प्रदेश में देने का प्रयास किया जाएगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।